पुलिस के हत्थे चढ़ा विद्युत मोटर पंप चोर गिरोह। चार थाना क्षेत्रों में खेतों से चुराई थी मोटर पंप और चार चोर और दो कबाड़ियों से 78 मोटर पंपों के कॉपर तार सहित एक विद्युत मोटर पंप बरामद किया गया है। रवि सीजन में खेतों से विद्युत मोटर पंप सहित केवल चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने वाले गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। मंडलेश्वर पुलिस ने चार शातिर चोरों के साथ चोरी की मोटर पंप खरीदने वाले कबाड़ियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि बलकवाड़ा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अशोक पिता पदम बास्कले, मुकराम पिता बाबू डावर, विशेन पिता कैलाश डावर, अशोक बुडावर को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर पूछताछ की। चारों ने अपराध कबूल करते हुए चोरी की मोटर कबाड़ी सचिन पिता पंडरी सेलवानी तथा श्याम लाल पिता मांगीलाल पटेल को बेचा। आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि ग्राम चीचली में नर्मदा नदी किनारे वाटर पंप को खोलकर उसमें लगे तांबे के काटकर चोरी करना और इसी तरह मलताल से बोराड नदी से वाटर पंप तथा थाना कसरावत क्षेत्र के अमलाथा टिगरिया गांव मूग नीदपुर खेड़ी बुजुर्ग और सामेड़ा वेदा नदी एवं अन्य पास कुएं आसपास के कुएं नहर से थाना बेड़िया क्षेत्र के जीरधार मर्दाना रोड शाहवाड़िया रोड थाने के खेतों में कुएं से जाने वाले पुराने रास्ते ग्राम लोदी में कुओं से थाना मंडलेश्वर क्षेत्र गांधनी डबी नहर के किनारे वाटर पंप को खोलकर तांबे के तार काटकर चोरी करना कबूल किया गया। ये विगत दिनों बेड़िया थाना क्षेत्र में और कसरावत थाना क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें किसानों की मोटर पंप जो नर्मदा नदी किनारे रखी गई थी या जो मोटर पंप जो कुएं के अंदर सबमर्सिबल मोटर पंप थी उन मोटर पंपों को निकाल के उनका कॉपर वायर चोरी किया गया था। ये घटनाएं बाद में फिर बलकवाड़ा थाना क्षेत्र में हुई तो किसानों के लिए बड़ी समस्याएं थी क्योंकि किसान अपनी सिंचाई के लिए मोटर पंपों का यूज करते हैं, मोटर पंपों को वो नदी किनारे खेतों में रख के छोड़ जाते हैं तो मोटर पंपों से तार चोरी जाने के बाद मोटर पंप किसी उपयोग की नहीं रहती हैं। इस प्रकार की करीब 11 घटनाएं दर्ज हुई तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण अपराध था क्योंकि ये खेतों के अंदर जंगली रास्तों से आके ये घटनाएं घटित हो रही थी। किसानों के द्वारा भी लगातार इस चीज़ को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी तो एक इसमें विशेष टीम बनाई गई जिसमें SDOP मंडलेश्वर सिंह गबली, थाना प्रभारी बलकवाड़ा सिंह ठाकुर और चौकी प्रभारी खलटका रितेश, इस पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने पुराने अपराधियों से पूछताछ की, कोई जानकारी मिली कि ये एक बड़ा गैंग है, इस गैंग में लगभग 8 आरोपी हैं जो रात के समय नदी के